नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। पटना में भी अब गुजरात के सूरत और पश्चिम बंगाल के कोलकाता की तरह ही रेडीमेड गारमेंट्स का निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार बहुत जल्द राज्य में टेक्सटाइल पॉलिसी लागू करने जा रही है, जिसके बाद पटना के साथ साथ कई अन्य शहरों में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई जाएगी। यहाँ के लोगों को बेहतर और सस्ते कपड़े खरीदने का मौका भी टेक्सटाइल उद्योग लगने के बाद मिल सकेगा, जबकि इससे बिहार में रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। वहीं बिहार के बाहर जाकर दूसरे राज्यों में टेक्सटाइल उद्योग में काम करने वाले कामगारों को भी अपने राज्य में काम करने का मौका मिलेगा। मौजूदा समय में सूरत के अलावा कोलकाता में रेडीमेड कपड़ों का बड़ा उद्योग है। बिहार के कपड़ा व्यवसायी इन जगहों से माल मंगाते हैं, जिसमें उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है और जिसके कारण उन्हें कपड़ों को महंगे दामों पर बेचना पड़ता है। इन दोनों शहरों में अंडरवियर और बनियान को भी बड़ी संख्या में आयात किया जाता है, क्योंकि अंडरवियर और बनियान बनाने वाली ज्यादातर कंपनियां कोलकाता में ही है। लेकिन बिहार में टेक्सटाइल नीति के लागू होने के बाद यहाँ पर बड़े पैमाने पर बनियान, अंडरवियर समेत कई तरह के रेडीमेड गारमेंट्स को बनाने का काम किया जाएगा। इस संबंध में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का भी यही कहना है। उद्योग मंत्री के अनुसार दूसरे राज्यों में जाकर वहां स्थापित कपड़ा कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब 86% है, जो कि बिहार से हैं। बिहार सरकार इन कामगारों को बिहार में ही रोजगार देना चाहती है, इसलिए जल्द ही बिहार में टेक्सटाइल नीति लाई जाएगी। इस नीति का प्रारूप अंतिम चरण में है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस नीति के तहत पटना सिटी के अलावा बिहार के अन्य शहरों में टेक्सटाइल उद्योगों को स्थापित किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने आगे यह कहा कि कपड़ा कंपनियों में काम करने वाले करीब 86% लोग कोरोना के दौरान दूसरे राज्यों से लौटकर बिहार आए थे, जबकि अब इन कामगारों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों के गारमेंट्स कंपनियों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें अपने राज्य में ही लगने वाले कपड़ा उद्योगों में काम मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि बिहार के बाहर टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े कामगारों के साथ साथ उनके मालिकों से भी बात हो रही है। इन कामगारों और मालिकों का भी बिहार आकर काम करने का मन बन रहा है। शाहनवाज हुसैन ने आगे यह कहा कि सरकार टेक्सटाइल उद्योग में निवेश करने वाले निवेशकों को बिहार में हर सुविधा देने को तैयार है। वहीं जल्द ही इसके लिए नई व्यवस्था भी लागू की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कंबल बनाने के लिए बिहार के कामगारों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही यह भी कोशिश की जाएगी कि बिहार में बनने वाले कंबलों को दूसरे राज्यों में भेजा जाए। वैसे भी बिहार में बनने वाले कंबल को लोग खूब पसंद करते हैं, लेकिन इसकी सही तरीके से ब्रांडिंग और आपूर्ति नहीं किए जाने की वजह से इन कामगारों को लाभ नहीं मिल पाता है। आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।